मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री ओम बिरला जी को इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए। दैट श्री ओम बिरला, ए मेंबर ऑफ दिस हाउस, बी चूजन एज द स्पीकर ऑफ दिस हाउस। दोज इन फेवर में से आए, दोज अगेंस्ट में से नो। आई थिंक द आईज हैव इट, द आईज हैव इट। द मोशन इज अडॉप्टेड। ध्वनिमत की सी गर्जना से हुआ 18वीं लोकसभा के स्पीकर का चुनाव। एनडीए की तरफ से स्पीकर पद के उम्मीदवार ओम बिरला दोबारा अध्यक्ष चुन लिए गए। श्री ओम बिरला इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ दिस हाउस। विपक्ष ने के सुरेश के रूप में उम्मीदवार उतारा था, लेकिन ये एक रणनीति भर साबित हुई, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में मत विभाजन यानी वोटिंग की मांग नहीं की। इसके बाद नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए ओम बिरला को परंपरा के मुताबिक आसन तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और नेता प्रतिपक्ष उनके सीट तक पहुंचे। पहले पीएम मोदी ने ओम बिरला को हाथ मिलाकर बधाई दी, फिर राहुल की तरफ इशारा किया। राहुल आगे आए, ओम बिरला से हाथ मिलाया, उन्हें बधाई देने के बाद पीएम मोदी से हाथ मिलाया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी अध्यक्ष ओम बिरला को आसन तक पहुंचाने के लिए उनके साथ चेयर की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़े। आगे आगे ओम बिरला थे, उनके पीछे प्रधानमंत्री मोदी, उनके पीछे राहुल गांधी और फिर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू। यानी 18वीं लोकसभा में अध्यक्ष पद के चुनाव में भले ही कुछ परंपराएं टूट गई हों, लेकिन बाकी को निभाया भी गया। ओम बिरला ने अध्यक्ष पद की कमान संभाली और उसके बाद शुरू हुआ औपचारिक रूप से सदन में बधाई देने का सिलसिला। पहले पीएम मोदी बोले, फिर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बोले, दोनों ने नए स्पीकर को शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने बिरला के चुनाव को उनकी शख्सियत से जोड़ा, जमकर तारीफ की, तो राहुल गांधी ने बधाई के साथ ही नए अध्यक्ष को नसीहतें दे डाली। ये सदन का सौभाग्य है कि आप दूसरी बार इस आसन पर विराजमान हो रहे हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि विनम्र और व्यवहार कुशल व्यक्ति सफल सहज रूप से होता है, और आपको तो उसके साथ साथ एक मीठी मीठी मुस्कान भी मिली हुई है। आपके चेहरे को ये मीठी मीठी मुस्कान पूरे सदन को भी प्रसन्न रखती है। आई लाइक टू कंग्रेचुलेट यू on behalf of the entire opposition, on behalf of the India Alliance. Speaker, sir, the question is not how efficiently the House is run. The question is how much of India's voice is being allowed to be heard in this House. Yeah. Speaker, sir, so the idea that you can run the House efficiently by silencing the voice of the opposition is a non-democratic idea. You will do your duty. राहुल ने साफ संदेश दे दिया कि इस बार शक्ति संतुलन की तस्वीर सदन में पहले जैसी नहीं है और विपक्ष की आवाज और भी मजबूती से उठने वाली है। रिप्रेजेंट्स द वॉइस ऑफ इंडियाज पीपल।